हेलो स्टूडेंट, मैं सिग्मा कंप्यूटेक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से SM असलम। आज मैं आपको एक राइनो गोल्ड सॉफ्टवेयर 6 में एक 3D कंप्यूटराइज ज्वेलरी किस तरह से क्रिएट की जाती है और उसकी रेंडरिंग किस प्रकार की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर टॉप में आपके सामने कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, जिनमें फाइल, ड्राइंग, मॉडलिंग, ट्रांसफॉर्म, जेम्स, ज्वेलरी। इनमें से आप ज्वेलरी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप एडवांस स्प्लिट सैंक को सेलेक्ट कीजिए। फिर देखिए, ये राइट साइड विंडो में एक पैनल शो कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल रिंग के पैटर्न आपके सामने शो कर रहे हैं। इनमें से आप कोई भी एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया 001 को, डबल क्लिक कीजिए। ये इसके बाद ये टिक का निशान शो कर रहा है, इसको ओके, इसको माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके इसको ओके कीजिए। ये होने के बाद अपने 3D रिंग को चेक कीजिए पर्सपेक्टिव विंडो में, जाके इसको मैक्सिमाइज करके बड़ा कीजिए विंडो को, और इसको रोटेट करके चेक कीजिए। ये होने के बाद अपने इस रिंग के प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर लीजिए। फाइल में आइए, सेव एज पे क्लिक कीजिए और एक नाम दीजिए, सिग्मा, जैसे सिग्मा कंप्यूटेक G01। सेव कीजिए। ये फाइल आपकी सेव हो गई। ये देखिए ऊपर शो कर रहा है सिग्मा कंप्यूटेक 001 1779 KB की फाइल क्रिएट हो गई। इसके बाद इसके नीचे की जो ग्रिड लाइन आपकी शो कर रही है, इसको हटाने के लिए आपको फाइल में आइए, ऑप्शन में आइए, ऊपर टॉप में डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इस एनोटेशन में ग्रिड को सेलेक्ट कीजिए और शो ग्रिड लाइन को अनटिक कीजिए, सो ग्रिड एक्सेस को अनटिक कीजिए। ओके, ये देखिए हट गई लाइन। इसके बाद आपकी जो ये रिंग क्रिएट हो गई है, इसका भी पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपना रिंग माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, करने के बाद माउस की मिडिल बटन से सेलेक्ट कीजिए, एडिट का ऑप्शन होगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। इसमें भी आप, ये पैनल शो कर रहा है, यहाँ से भी अपना इसका प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। टॉप प्रोफाइल में यहाँ से आपने सेलेक्ट किया 008 को, डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए ये पैटर्न जैसे इसमें शो कर रहा है, वैसे इसमें शो इसमें भी आ गया है। उसके बाद ये बॉटम प्रोफाइल को चेंज कीजिए, आपने सेलेक्ट किया 012 को, डबल क्लिक इस तरह। ये करने के बाद इसकी थिकनेस वगैरह भी आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका साइड प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, थिकनेस वगैरह यहाँ से भी ना एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह बॉटम को भी चेंज कर सकते हैं अपने यहाँ से। इसके बाद अपने प्रोफाइल को सेव कर लीजिए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है इस तरह। इसके बाद ब्रांचेस में आइए, यहाँ से भी अपना आप चेंज कर लीजिए, यहाँ से इसका हाइट वगैरह।
उसके बाद कैथेड्रल में आइए, ये जो पैटर्न आपका शो कर रहा है इसमें प्लेन, इसको चेंज कीजिए। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया 014 को, डबल क्लिक, ये देखिए इस तरह चेंज हो गया। फिर इसकी थिकनेस भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये होने के बाद जेम्स पे आइए, जेम्स का साइज भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कर्व प्लेट पे आइए, इसमें ये इतने तरह के सेट दिए हुए हैं पैटर्न, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कर्व एडिटर में आइए, यहाँ से भी अपना लाइन चेंज अपना कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये होने के बाद अपने इस यहाँ पर टिक के निशान, इसको ओके सेलेक्ट कीजिए। आपकी रिंग तैयार हो गई। इसके बाद अपने रिंग में एक डायमंड इंसर्ट कराने के लिए आप जेम्स में आइए, यहाँ पे जेम्स स्टूडियो पर सेलेक्ट कीजिए। ये नीचे देखिए एक येलो कलर का जेम्स शो कर रहा है, इसका डायमीटर अपना यहाँ से अपना बढ़ा सकते हैं कैरेट के हिसाब से। यहाँ पे ये ब्रिलियंट में सेलेक्ट है, इसका इसका पोजीशन आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे पोजीशन हर्ट हेक्सेंगल कुछ भी आप ले सकते हैं। प्रिंसेस जैसे आपने सेलेक्ट किया प्रिंसेस, डबल क्लिक कीजिए, चेंज हो गया। इसको टिक करके ओके सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इस पर्सपेक्टिव विंडो को यहाँ से एरो पे सेलेक्ट करके रिस्टोर करके छोटा कर लीजिए। इसके बाद राइट विंडो में आइए, यहाँ से एरो पे सेलेक्ट कर लीजिए और मैक्सिमाइज करके ये विंडो बड़ी कर लीजिए। इसके बाद जेम्स को सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट करके ऊपर टॉप में ले आके छोड़ दीजिए। इसके बाद इस विंडो को छोटा कीजिए, स्मॉल रिस्टोर करके, ये देखिए आपका डायमंड ऊपर शेप में चारों विंडो में अलग अलग शो कर रहा है। इसके बाद पर्सपेक्टिव विंडो को बड़ा कीजिए मैक्सिमाइज। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रिस्टोर कीजिए और इसको हल्का सा फ्रंट विंडो में आइए और इसको मैक्सिमाइज करके बड़ा कीजिए। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, रिस्टोर कीजिए। और इस राइट विंडो में आने के बाद जेम्स को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको हल्का सा डाउन ले आइए। बस इसके बाद पर्सपेक्टिव विंडो को बड़ा कीजिए मैक्सिमाइज करके। अपने डायमंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए डायमंड को, जेम्स को, और राइनो गोल्ड मटेरियल को सेलेक्ट कीजिए पैनल में। फिर ये आपके पास डिफरेंट कलर के मल्टीपल जेम्स के सेट शो कर रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट को चेंज सेलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे आपने ये वाला सेलेक्ट किया, डबल क्लिक इस तरह। इसके बाद ये साइड के जो डायमंड है इनका भी चेंज कर सकते हैं आप, सेलेक्ट कीजिए ग्रुप 04 सेलेक्ट, आपने लिया स्पाइनल, डबल क्लिक इस तरह, ये आपका चेंज हो गया। इसके बाद अपना मेटल का भी सेट चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए मेटल को,
माउस की लेफ्ट बटन से मेटल में आइए, हैमर्ड पे आइए और 24 कैरेट पर डबल क्लिक कीजिए। इस तरह ये आपके खूबसूरत डायमंड रिंग तैयार हो गई। इसके बाद अपने पीछे का इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए डिस्प्ले में आइए पैनल में, उसके बाद ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट कीजिए। इस तरह अब आपको अपनी रिंग का प्रेजेंटेशन एक इमेज के रूप में लेना है तो उसका ऑप्शन रेंडिंग से आएगा, उसके लिए आप रेंडिंग टूल में आइए, यहाँ से आप रेंडर पर सेलेक्ट कीजिए तो एक ये रेंडिंग का ऑप्शन आपका शो करेगा। इसको फाइल से होकर एग्जिट कर लीजिए। अब रेंडिंग में आपको ऑप्शन अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो उसके लिए फाइल में आइए, ऑप्शन पे आइए, डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऊपर शो कर रहा है, इसमें राइनो रेंडर को प्लस का टिक कीजिए, राइनो रेंडर को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रेजोल्यूशन एंड एंटी एनालाइजिंग में रेजोल्यूशन पे आपको टिक कीजिए और यहाँ पे 1920 मल्टीपाई फिल 1018 को सेलेक्ट कीजिए रेजोल्यूशन और एंटी एनालाइजिंग को हाई कर लीजिए, एनवायरनमेंट को टिक कीजिए, नो एनवायरनमेंट शो कर रहा है, यहाँ पे न्यू कीजिए, यहाँ पे आपका अंदर एनवायरनमेंट पर डबल क्लिक कीजिए, राइनो इंटीरियर पर सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इसके बाद यहाँ पे अपना ये आपका एक एडिट राइनो इंटीरियर, यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज अपना चेंज कर सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड वगैरह, इसको सेलेक्ट करके ओके कीजिए, ओके कीजिए। फिर अब यहाँ पर राइनो का जो रेंडर ऑप्शन है यहाँ पर इसको आप माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए, ये आपकी रेंडिंग हो रही है इस समय, ये देखिए। ये आपकी एक डायमंड रिंग तैयार हो गई रेंडर होके। इसके बाद इसको अपना सेव कर लीजिए, आप फाइल में आइए, इमेज को सेव है इसका ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये जेपीजी में सेलेक्ट है इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नाम टाइप कीजिए जैसे सिग्मा 001, सेव कीजिए, ये आपकी फाइल सेव हो गई। फिर फाइल हो गई, एग्जिट कर लीजिए। इस प्रकार आपकी रेंडरिंग कंप्लीट हो गई और आपकी खूबसूरत डायमंड रिंग तैयार हो गई। ओके, थैंक यू।